किचन से वीडियो स्टार्ट की हूँ आज। और अभी सुबह का जो काम रहता है ना, सब कुछ काम खत्म करके एक्सरसाइज करके ब्रेकफास्ट करके नहा भी चुकी हूँ और आज थोड़ा सा बाल को धो दिया हूँ। बाहर चल रहा है थोड़ा सा बारिश, और एक्चुअली बारिश का मौसम में ना राइस खाने के लिए दोपहर के टाइम में मन नहीं करता है। तो आज आर्यन ने बोला कि मम्मी आज पूरा मसालादार चिकन कोसा और नान बनाओ, तो इसीलिए आज दोपहर के टाइम में आज बनाऊंगी नान और एक गार्लिक नान और चिकन कोसा। और पोटी के लिए थोड़ा सा राइस यहाँ पर चढ़ा दिया हूँ गैस में। पोटी को तो राइस चाहिए, राइस और फिश चाहिए, इसीलिए राइस पोटी का भी होगा और मेरा भी थोड़ा सा होगा, क्योंकि मैं रोटी नान ये बहुत मेरा बहुत फेवरेट नहीं है, मेरा राइस बहुत फेवरेट है। तो इसीलिए चिकन के साथ ना थोड़ा सा राइस दोपहर के टाइम में नहीं खाऊंगी तो पूरा दिन मुझे लगेगा कि कुछ भी नहीं खाई हूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा पोटी का और मेरा चल रहा है यहाँ पर राइस, और सबके लिए बनाऊंगी आज नान और चिली चिकन कोसा। और मेरा बहन भी आएगी, बहन थोड़ा सा खाएगा, खाएगी, यहाँ पर काम है बहन का, तो इसीलिए मेरा बहन आएगी। तो फटाफट से चलिए कुकिंग स्टार्ट करते हैं, बहुत देर हो गया, 10:30 बज गया है। तो यहाँ पर चिकन के लिए ना ऑनियन थोड़ा सा काट करके रखी हूँ और मसाला भी पेस्ट हो गया, इसके साथ गार्लिक जिंजर और ऑनियन एक साथ पेस्ट बना दिया। और चिकन को भी मैरिनेट करके मैं नहाने के लिए गई थी। यहाँ पर रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा कच्चा ऑयल और नमक मैरिनेट हो गया है। तो पहले मैं चिकन कोसा बनाऊंगी, उसके बाद नान बनाऊंगी। नॉनस्टिक तवा में मैं नॉनस्टिक तवा में रोटी बनाती हूँ हर दिन, तो ये तवा बहुत दिनों से मैं यूज नहीं की हूँ, क्योंकि नॉनस्टिक तवा में मैं रोटी बनाती तो ये रह गया था ना घर में, तो थोड़ा सा जैसे जंग लगता है ना लग गया है। तो एक्चुअली नान आप लोहे के तवा में बनाएंगे तो ना जैसे भाटी में होता है ना इस तरह लगेगा, इसीलिए ये तवा को आज अलमीरा से निकल लिया बहुत दिनों के बाद। और ये मैदा के साथ में दही और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक ऑयल मैरिनेट करके बहुत टाइम से मैं रखी थी। तो पहले मैं ऑयल से इसको बेल लूंगी, इसके ऊपर थोड़ा सा कलौंची, और गार्लिक, इसके पीछे थोड़ा सा पानी दे दूंगी क्योंकि तवा में थोड़ा सा चिपक के रहेगा ना, इसीलिए पानी। तो यहाँ पर सब कुछ लंच रेडी, गार्लिक नान और ये क्या रहे, ये मेरा बेटी कल बनाई थी, दही
दही गार्लिक चटनी, आम, चिकन कोसा एंड राइस, और यहाँ पर थोड़ा सा ऑनियन है। इतना सुंदर सुंदर लंच देख के ना मुझे पूरा भूख लग गया। तो कब से मेरा बेटा और हस्बैंड कह रहे कि हम लोग खाएंगे, तो मैंने बोला कि एक फोटो में खींच लूं और वीडियो बना लूं, उसके बाद खाने के लिए दे दूंगी। तो एक्चुअली बहुत भूख लग गया और बाहर चल रहा बहुत ज़्यादा बारिश, तो मेरा बहन आ रही थी बारिश के लिए, कहाँ पर खड़ी है। चलो सेटिंग हो गया कैमरा, तो हम खाएंगे। आप लोग देखिए, आज उड़ीसा में ना रजस्तोला संक्रांति, मतलब रजो बेटी बहू सब कुछ बहुत सारे नया कपड़ा पहनते हैं, मेकअप करते हैं, झोला झूलते हैं ना, यही तो ये सब। अच्छा अच्छा खाना सही है, पान, हाँ पान खाते हैं, मिठाई खाते हैं ना, मिठाई खाते हैं। और मुझे इतना सारा पता नहीं, हम लोग तो बंगाली है ना, तो मेरा बेटी कह रही थी कि मम्मी मुझे एक नया ड्रेस चाहिए, मेरा फ्रेंड लोग सब कोई मना रही है कि रोजो। तो बंगाली में ना बहुत खास बात है, खास फेस्टिवल है ना, बहुत उड़ीसा में बहुत मतलब ये जो फेस्टिवल है ना बहुत ज्यादा मनाते हैं, और झोला झूलते हैं बेटी लोग ऐसे। तो हम लोग तो अच्छा अच्छा खाना खा के घर के अंदर अभी है लॉकडाउन में, और क्या वीडियो बनाऊ। तो लॉकडाउन 17 तारीख को खत्म होगा, उसके बाद सोच रही हूँ कि बाहर थोड़ा सा घूमने जाएंगे, वीडियो बनाएंगे ऐसे। तो चले फटाफट से लंच कच कर चले फटाफट से लंच करते हैं। एक नान मैं टेस्ट कर रही हूँ, बहुत अच्छा हुआ है कि लीजा, कैसे हुआ मामा? चिकन तो ये चिकन नहीं खाती है ना, तो मैंने बोला था कि एक अंडा भुजिया कर दूं, तो मना कर दिया चटनी के साथ। तो शाम के 6 बज गया, तो अभी मैं देखिए पूरा 6 बज गया, बहन आई थी ना, अभी गया है बहन, और कुछ आए थे कुछ आदमी साड़ी लेने के लिए, यहाँ पर साड़ी कुर्ती सब कुछ भर्ती कर दिया यहाँ पर। तो शाम के टाइम में ना बहुत जन फ्री रहते हैं ना, और मार्केट तो बंद रहता है ना, इसीलिए शाम के टाइम में जो जानते हैं, ये तो पूरा मेरा जो घर है ना पूरा गली के अंदर है, तो जो जानते हैं वो आ जाते हैं लेने के लिए। तो शाम के टाइम में थोड़ा सा मैं इसीलिए बिजी रहती हूँ। और पोटी यहाँ पर देखिए, पोटी बैठी है, एक्चुअली पोटी का पेट में ना बच्चा है, पोटी प्रेग्नेंट है। हम लोग को पता नहीं चला कि ये 8 मंथ की है, इतना जल्दी से बच्चा गिर जाएगी पोटी। हाँ सो देखिए कितना ऊंचाई हो गया ना, पेट के अंदर बच्चा है। एक्चुअली बिल्ली का इतना जल्दी से बच्चा होता है हम लोग को पता नहीं। तो पोटी हो गया प्रेग्नेंट, पोटी का बच्चा होगा छोटा छोटा सा, मैं करके पूरा घूमेगी, क्या करूँ इतना सारा बच्चा लेके, 4-5 तो बच्चा होगा, क्या करूँ इतना सारा बच्चा लेके। हाँ पोटी, हाँ पोटी, आ तो गाइस क्या करूँ इतना सारा बच्चा लेके, जो होगा होगा, आए आए चल। तो यहाँ पर आर्यन की एग्जाम चल रही है, एग्जाम पोटी, तो ज्यादा पेट निकल गया है इस पोटी का, तो इसीलिए ना पोटी इस तरह बैठती है बेचारा। मैं हूँ, और ज़्यादा टाइम ना सो रहती है, जैसे हम लोग मतलब मैं प्रेग्नेंट होने जब मेरा बेटा था ना, तो मैं हर टाइम सोती थी, बहुत ज़्यादा नींद आती थी मुझे। तो पोटी का ना इस तरह हो गया, देखिए हर टाइम सोती है, यहाँ पर सोती है, अभी तो नो से, हाँ ऐसे बढ़ती है, मतलब बैठ बैठ के ही सो जाती है। वैक्सीन देने वाले थे पोटी को, तो लॉकडाउन भी हो गया उस टाइम, तो बाहर भी निकल नहीं पाए हम लोग,
तो पता नहीं चला कि 8 मंथ की जो पोटी उसका प्रेग्नेंट हो जाएगा, वो पता नहीं चला। अच्छा नहीं लग रही है क्योंकि एक्चुअली बिल्ली का जो बच्चा होगा वो तो यहाँ पर नहीं रहेगा, ये कहाँ पर छोड़ के आएगी ना। हाँ तो जो होगा होगा, लड़का लड़की जो होगा होगा, पोता पोती तो समझ लेंगे। तो मेरा घर में जो मौसी काम करते हैं ना वो उनको मैं बता जो और केक में जो दीदी काम करते हैं उनको मैं बता के रखी हूँ, जो पोटी का जो बच्चा होगा ना मैं फोन कर दूंगी तो तुम लोग आ जाओगे फटाफट से, नहीं तो मैं संभल नहीं पाऊंगी इतना सारा बच्चा। 5-6 तो होगा ना, न 3-4 ना, 3-4 तो होगा, कितना होता है मुझे पता नहीं। तो जो होगा होगा, खुश है हम लोग, पोता पोती जो होगा, मेरा हस्बैंड का तो पोता पोती को पूरा गोद में लेके बैठेंगे, चाय पियेंगे शाम के टाइम है ना, पोता हो और पोती हो खुश है पूरा। और मेरा बेटा बन जाएगा मामा, बेटी बन जाएगी मौसी और मैं क्या दादी तो चलिए गाइस, बहुत मजाक तो हो गया, मजाक नहीं एक्चुअली मुझे मेरा बहुत टेंशन हो रहा है कि पोटी का जब बच्चा होगा कहाँ पर रखूँगी, इतना सारा बच्चा होगा तो सोच रही हूँ कि फैक्ट्री से एक बड़ा सा एक पेटी लाऊंगी, पेटी के अंदर दे दूँगी, बहुत सारे कपड़ा बिछा के दे दूँगी, उसके अंदर वो पोटी तो रहेगा बच्चे के साथ ना कि उस तरह कर दूँगी। तो चले गाइस, आज का वीडियो अभी एंड करती हूँ क्योंकि अभी मुझे जाना है मेरा हस्बैंड के साथ फैक्ट्री। तो चले गाइस, फैक्ट्री जाने से पहले मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। तो गाइस क्या करूँ लॉकडाउन में वीडियो और क्या करूँ, तो घर में हम लोग जो जो कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वीडियो। तो लॉकडाउन उठने के बाद हम लोग बहुत सारे प्लान किए हैं कि पूरी जाएंगे घूमने और तिरुपति जाएंगे घूमने, बहुत सारे हम लोग घूमने बहुत चाहते हैं, हर साल ही जाते थे, लेकिन बेटा का 10th हो जाएगा तो आगे नहीं जा पाएंगे, इसीलिए लॉकडाउन उठने के बाद पहले जाएंगे हम लोग उड़ीसा में रह रहे हैं हम लोग ना, तो उड़ीसा में जगन्नाथ दर्शन करने के लिए पूरी जाएंगे। और ए माँ बर्फ खानी इगुलो की हर टाइम फ्रिज के अंदर आइस रखती है मेरा बेटी और हर टाइम आइस खा रहे है, बदमाशी कर रही है बहुत। तो इसीलिए सोचे कि लॉकडाउन उठने के बाद नया नया जगह जाएंगे घूमने के लिए और वीडियो करके आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। गाइस अब हम लोग अभी घर में है तो ना, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके वीडियो कर रही हूँ, क्या क्या कर रही हूँ घर में, कुकिंग कर रही हूँ, घर का काम कर रही हूँ, ऐसे तो वीडियो मैं बना के डाल रही हूँ अभी। तो प्लीज आप लोग को थोड़ा सा अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और बाय बाय स्वीट ड्रीम्स।